शुभकामनाएं। आपकी नई फिल्म का मुहूर्त किया गया है आज, और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में सबसे पहले? ये एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर है मेरे लिए और यश के लिए, और मैं यश को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आज तक की जो उसकी सफ़र रही है उसमें और पर आगे मकाम का हासिल करे। और ये सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, पहले कसम पैदा करने वाली एक में हम लोग कुत्ता और बंदर लेके आए थे, इस टाइम कुछ नया करने के अंदाज से और कुछ भड़कीला करने के हिसाब से तीसरा जानवर भी लेके आ रहे हैं, जिसका आप फिल्म देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या है। और ये फिल्म एक नया प्रयोग है और बहुत बेहतरीन होएगा, ऐसे मेरे मानना है, मेरा मानना है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यश को इसकी यशस्वी कारकिर्दी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दे। पैदा करने वाले की जो फर्स्ट पार्ट बना था वो काफी बड़े पैमाने पर बना था, काफी खर्च किया गया था, क्या उससे भी बड़े पैमाने पर? हाँ जी, बहुत बड़ा पैमाना उसमें, उसके और ये मुकाबला ही नहीं होगा। और जो खर्चा हुआ, जो पैमाने पे बनी थी, उससे बहुत आगे के अंदाज, बहुत ऊंची सोच के साथ ये फिल्म कर रहे हैं। शायद भोजपुरी इतिहास में कोई नया सर्जन हो रहा है, ऐसा निर्माण हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। आगे तो दर्शक लोग ही बताएंगे कि कैसा हुआ है और क्या हुआ। यश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना विश्वास रखते हैं आप उन पर? जितने मेरे रूप है मेरा विश्वास है उतना, उससे ज़्यादा ही है कुछ। और कौन से स्टार कास्ट होंगे, कुछ फाइनल हुए हैं? जो कुछ है धीरे धीरे बेनकाब हो ही जाएगा, आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। संजय श्रीवास्तव एक बड़े होनहार और कामयाब डायरेक्टर रहे हैं, हम पहली दफ़े उनके साथ काम करने जा रहे हैं, और बड़ी तमन्ना है कि कुछ नया नए अंदाज में जो हमारा ख्याल है वो पेश करेंगे और फिल्म बहुत खूबसूरत बनाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ उनके उनके हाथों में ये फिल्म का सुकान सौंपा हुआ है। बाबूजी, कल यश कुमार जी के एक और फिल्म का मुहूर्त हुआ है, दामाद जी किराए पर हैं, जिसके डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जी हैं, तो अजय जी और यश कुमार जी की जोड़ी अभी एक फिल्म कंप्लीट की है, क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर और यश एक्टर दोनों ही काबिल तारीफ है और फिल्म अच्छी ही बनेगी। और प्रयास हमेशा किसी का बुरी फिल्म बनाने का नहीं होता है, मगर कई दफ़े संयोग होते हैं कि कई दफ़े दर्शक होते हैं जो फिल्म अच्छी फिल्म को भी फेल कर सकते हैं, जिस जो अपने हाथ में नहीं रहता है। तो फिल्म तो अच्छी ही बनेगी और आशा रखता हूं कि दर्शक लोग भी सहराएंगे उसको। नाम है कसम पैदा करने वाली पार्ट टू, और बहुत सबको मेरी ओर से पूरी टीम को शुभकामनाएं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, गाने सुपर हिट हो हमेशा की तरह।
आज रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, कुछ बताना चाहेंगे किस तरह का गाना है? हाँ, अभी मैं अभी मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत सुना है, रिकॉर्डिंग होने वाली है, ये थोड़ा सस्पेंस है, अगर रिकॉर्डिंग होने के बाद अगर हमारे दर्शकों तक जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यश जी भी आजकल बहुत सिंगिंग में रुझान रख रहे हैं, क्या इस फिल्म में आपके साथ डुएट होगा उनका? आई थिंक मुझे तो लग रहा है गाने का मूड अभी मैं थोड़ा सा सुना था तो हो सकता है। कुछ कहना चाहेंगे यश जी के बारे में? अरे यश जी के बारे में क्या कहना, वो तो अद्भुत हैं और सबसे हटके हैं, उनका व्यवहार सबसे हटके है मुझे जो मेरा मानना है, और बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी इनका लगभग अगर कोई मुहूर्त सॉन्ग होता है तो वो मुझे याद करते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले मैंने पहली बार उनकी फिल्म में गाया था, फिल्म में दिलदार सांवरिया टाइटल सॉन्ग गाया था, अब तक लोगों के जहन में वो गाना याद है और वो जी यश जी की जो फिल्म आई थी दिलदार सांवरिया, तो उसका मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगी इतना शुभ मुहूर्त पे। शुभकामनाएं क्या देता आदमी, मतलब शुभकामना तो शुभकामना होती है, उसमें क्या देता आदमी? हाँ मैं ये चाहूंगा मैं चाहूंगा फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, और यश जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये फिल्म संजय बाबू डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े कामयाबी थे भगवान पूरी टीम को फिल्म को। बहुत अच्छी लगी थी मुझे फिल्म, जो जोड़ी थी तो उनको क्या मतलब नहीं तो नहीं देखा था सच पहले आपने तो ये कोई सवाल होता है जवाब तो सही है भैया। जो पहली फिल्म थी कसम पैदा करने वाले की बहुत बड़े पैमाने बनी थी, उसमें जो यश कुमार जी की नायिका थी निधि झा जी और रितु सिंह जी, तो उस जो है नायिकाओं की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किसको जोड़ी को वापस आप देखना चाहेंगे? अब ये तो संजय बाबू अच्छा ज्यादा मुझसे ज्यादा अच्छा बताएंगे इस बारे में कि इस फिल्म में यश के अपोजिट होना कौन चाहिए, क्योंकि उनको कहानी पता है, वो जानते हैं कि कौन अच्छा बैठेगा उस पर, तो वो शायद उनका डिसीजन होगा, तो मेरा कुछ कहना सही नहीं होगा। यश कुमार जी के बारे में बात करिए, रिसेंटली एक फिल्म आपने कंप्लीट की है एज ए डायरेक्टर, दूसरी फिल्म का कल आपने मुहूर्त किया, क्या कहना चाहेंगे? यश के अंदर ना एक्टर के साथ एक डायरेक्टर भी है, तो काम करना बड़ा आसान हो जाता है, मतलब मुझे पहला आदमी मिला जिसको ये एक्टिंग के साथ टेक्निकल सेंस हो कि हाँ यार कैसे खड़ा होना है, कैसे क्या करना है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हम दोनों का बड़ा जम रहा है। बात करें परवरिश की, तो जहाँ आप परवरिश कर रहे हैं वहीं पे दामाद जी को किराए पे भी देने जा रहे हैं। आज दामाद जी का दिन नहीं है कल बताया था ना इसके बारे में। ओके थैंक यू सर। देखिए मैं कभी भी प्रेशर में नहीं रहा हूँ, सबसे पहले तो भोजपुरी के सभी दर्शकों को यश कुमार का प्रणाम है, मैं कभी प्रेशर में काम नहीं करता हूँ, बस मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, मैं दूसरे की फिल्म हो या अपनी फिल्म हो, पहले मैं सेटिस्फाइड हो लेता हूँ रोल को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, और मुझे लगता है कि अब सही वक्त आ गया है और सही वक्त में सही तरीके से काम करना है, तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रेशर में रह के कभी काम नहीं करता। हाँ प्रेशर मुझे उस दिन होता है कि मैं जब अपनी तरफ से 100% दे लेता हूँ और बॉक्स ऑफिस पर जिस दिन फ्राइडे के दिन फिल्म रिलीज़ होने वाली है उस दिन मैं प्रेशर में रहता हूँ कि मेरी मेहनत को दर्शक एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे,
क्योंकि जनता जनार्दन है, कब इनको क्या अच्छा लग जाए, कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ उनको नहीं पसंद आती है, कभी कभी बहुत बुरी चीज़ों को वो लोग हिट करा देते हैं। तो जनता जनार्दन ही भगवान है, जैसा वो चाहे वैसा वो करें, मैं प्रेशर में नहीं रहता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हमने देखा था कुत्ता और बंदर, आपने उनसे अभिनय कराया था, काफी मुश्किल होता है जानवरों से एक्टिंग करवाना। जी जी, इस फिल्म में भी ऐसे कुछ प्लानिंग है? देखिए, पता नहीं, जानवरों से मुझे शुरू से ही बड़ी मोहब्बत सी रही है, और कसम पैदा करने वाले की ये जो फिल्म है, हमने लास्ट ईयर प्लान किया था करने के लिए, एक साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। संजय श्रीवास्तव जी आए थे और संजय श्रीवास्तव जी ने एक थॉट बताया था कि हम इस थॉट पे काम करते हैं, तो कसम पैदा करने वाले 2 आप मुझे टाइटल दे सकते हैं क्या? मैंने कहा था ठीक है, देता हूँ मैं। और इस फिल्म की हम लोगों ने उस दिन शुरुआत की थी पिछले साल, किसी कारणवश कि वो कॉन्सेप्ट वर्कआउट नहीं कर पाया, या मैं सेटिस्फाइड नहीं था, संजय जी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, और हम अच्छी कहानी के तलाश में लग गए। फिर मैं कंटिन्यू बिजी रहा शूटिंग, एक के बाद एक। फिर एक दिन बैठ करके हम लोगों ने एक कहानी फाइनल की, कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 की। जब हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए कि हाँ, अब हमको वो कहानी मिल गई है कि हम पार्ट 2 लेकर के आए, पार्ट 1 जिस लेवल पे आप छोड़ते हैं, अगर उस सेकंड पार्ट आपका उससे डल हो गया, तो मुझे लगता है कि उस डायरेक्टर के लिए, उस एक्टर के लिए शर्मिंदगी की बात होती है कि वो अपने ही मुकाम से नीचे आ गया। कामयाबी उस वक्त मिलती है जब आप अपने मुकाम से और ऊपर पहुंचते हैं। अगर हम किसी चीज़ में, हम कसम पैदा करने वाले को फर्स्ट फ्लोर तक लेकर के गए हैं, तो कसम 2 को हम सेकंड फ्लोर तक लेकर के जाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। तो हमने एक ऐसी कहानी लिखी है, पिछले पार्ट को अगर आप देखें तो हमने सिर्फ कुत्ते और बंदर के साथ इसमें वो किया था, और कुत्ता बंदर सिर्फ एक जानवर नहीं थे, हमारी इंडस्ट्री में और भी फिल्में बनी हैं कुत्ते बंदर को लेकर के, और जो फ्लॉप फिल्म रही हैं, सुपर फ्लॉप फिल्म रही हैं, लेकिन हमारी हिट रही फिल्म। वजह क्या है कि आप जब भी फिल्म बनाएं, आप ये मत सोचिए कि हमारे पास ये हिट एलिमेंट्स है तो हमारी फिल्म हिट कर जाएगी। नहीं, हिट एलिमेंट्स कभी भी फिल्म को हिट नहीं करा सकते। हिट एलिमेंट्स को आप प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट कर देते तो आपके सिनेमा को दर्शक पसंद करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले सिनेमा हमें पसंद आना चाहिए, जो सिनेमा को बना रहा है। तो वो हिट एलिमेंट्स जो कुत्ता बंदर थे, उसको तो लाए ही हम, साथ में एक और जानवर लेकर के आए हैं। और मुझे लगता है कि जब हम शूटिंग कंप्लीट करके इसका फर्स्ट लुक आउट करेंगे, तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में लगेगा यार ये बंदा हमेशा कुछ अलग ही लेकर के आ जाता है। तो कसम 2 में 100% लोगों को लगने वाला है कि कुछ डिफरेंट है इस फिल्म में। फिल्म के बाकी कलाकारों की बात कर ली जाए तो क्या पुरानी जो स्टार कास्ट थी वही रिपीट होगी या कुछ नए स्टार? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, चूंकि अकॉर्डिंग टू कहानी अभी हम, और चूंकि मैंने कहा कि ये पिछले साल से हम लोग प्लान कर रहे हैं फिल्म को, ये फिल्म हमारी करीब 1 साल से प्लान हो रही है, लेकिन 1 साल से हम इसको रफ्तार नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, कि हम सेटिस्फाइड नहीं थे। अभी हम सेटिस्फाइड हुए हैं, तो हमारा इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस है, धमाकेदार गेस्ट अपीयरेंस, जो अंजना सिंह करने वाली हैं, अंजना जी करने वाली हैं। और वो गेस्ट अपीयरेंस, मतलब अंजना जी ने आज मेरे ख्याल से 60-70 फिल्में की होंगी भोजपुरी में, इस टाइप की फिल्म नहीं की, वो एक गेस्ट अपीयरेंस पूरी फिल्म में याद रहेगा। बाकी के कलाकारों का चयन अभी हमने बिल्कुल नहीं सोचा है, सिर्फ हमारा फोकस है यश कुमार, और हमारा फोकस है वो कुत्ता, वो बंदर, वो तीसरा जानवर, क्योंकि मैं जब भी सिनेमा बनाया हूँ तो मेरे सिनेमा के जानवर एक जानवर नहीं होते हैं, हीरो होते हैं। इच्छाधारी में मैंने नाग नागिन को एक अलग पैमाने पे दिखाया था, कसम पैदा करने वाले कि मैं जब कुत्ता और बंदर लेकर के आया तो वो एक महज कुत्ता बंदर नहीं थे, उन्होंने प्रॉपर कॉमेडी किया था, प्रॉपर उन्होंने आंसू बहाए थे, मतलब फिल्म के वो 2 हीरो और थे। तो इस बार हमारा टारगेट ये है कि यश कुमार के साथ कुत्ता बंदर के अलावा एक और हीरो है, तो हमारी पूरी अभी फोकस जो है उस चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं, और जल्दी ही सिनेमा के चीज़ों का एक के बाद एक सरप्राइज हो, इसमें नई हीरोइन भी हो सकती है, इसमें कोई मार्केट की भी हीरोइन हो सकती है। मैं कॉन्सेप्ट पे जिस दिन हम लोग फाइनली बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या है, उस दिन आप लोगों तक ये खबर पहुंच जाएगी कि कसम पैदा करने वाले की मैं एक्ट्रेस कौन है। किरदार कितना डिफरेंट होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा, जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। देखिए, जब हम बाहर काम करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, उसमें हमको अच्छा लगता है तो हम साइन करते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो मना कर देते हैं। तो वहाँ हमारे पास चॉइसेस नहीं होते हैं, कि समटाइम कोई डायरेक्टर आते हैं, हमको कहानी सुनाते हैं, भाई मुझे इसी कहानी पे बनानी है, तो हमको करना पड़ता है कि हम चलो करते हैं। वहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती, हमने कॉन्सेप्ट सुना, ठीक है, इट्स ओके, अगर हमको अच्छा लगा तो हमने किया, नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया। बट जब हम खुद से काम करते हैं तो हमारे पास एक अथॉरिटी होती है कि हम उसमें खुद को कितना डिफरेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 में यश कुमार को मैं बिल्कुल डिफरेंट प्रेजेंट करूंगा इसमें।
हम लोग काफ़ी दिन से वर्क कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ उसके हाव भाव को, उसके कॉस्ट्यूम्स को लेकर के डिस्कशन किया है कि हमारे कसम पैदा करने वाले में पार्ट टू में कॉस्ट्यूम्स ये होने चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। लुक पे अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ डिफरेंट लुक लेकर के आते हैं। वही नॉर्मल लुक तो, और नॉर्मल तो मैं लेता ही नहीं हूँ, खैर हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग करता हूँ। तो कोशिश है कि कसम पैदा करने वाली पार्ट टू में बिल्कुल अब तक जितनी भी चीज़ें की है उसे एकदम अलग हो, एकदम अलग हो, ऐसी कोशिश है मेरी। फिल्म के म्यूज़िक का कार्यभार मैंने संभाला दिया है मुन्ना दुबे को। मुन्ना दुबे जी एक यंग डायनामाइट म्यूज़िक डायरेक्टर बनकर के उभर रहे हैं। उनके साथ मेरे एल्बम्स हमेशा आते रहते हैं और खूबसूरत चीज़ों को लेकर के मैं आता हूँ। तो मुझे लगा कि उस बंदे के अंदर बड़ा टैलेंट है, सही वक्त और सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो हमने अभी एक फिल्म की है, मोहब्बत की जंग, जिस फिल्म का म्यूज़िक मैंने जब मुन्ना जी के साथ बैठा और बातचीत की तो वो बड़ा कमाल का म्यूज़िक बन करके आ गया। और आई एम वेरी हैप्पी कि मुन्ना जी के साथ मैं बार बार काम कर रहा हूँ और तब तक काम करता रहूँगा जब तक वो बकवास कल छोड़ के काम पर ध्यान दे रहे हैं। जैया ढेर बोलल शुरू करिए, तैयार हमें दूसरा रास्ता देखा मजाक कर जी। बात कर फिल्म के डायरेक्टर की, उनके साथ एक फिल्म ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ, जब हम लोगों ने एक्शन राजा की थी तो मुझे एक्शन में मज़ा आता है, मज़ा तो मुझे हर चीज़ में आता है। मैंने कॉमेडी भी की है, इमोशनल रोल भी किया, मज़ा हमेशा आता रहता है। लेकिन मैंने जब एक्शन स्टार्टिंग में आया तो लोगों ने कहा एक्शन अच्छा कर रहा हूँ, तो एक्शन राजा जब उन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने कहा चलिए करते हैं। और एक्शन करते करते जब फिल्म में पूरी फिल्म देखता हूँ, अभी बिग गंगा पे कल भी आ रही थी एक्शन राजा, तो जब भी आप एक्शन राजा देखेंगे तो एक्शन राजा का एक्शन बड़ा अलग है। तो जब वो कसम पैदा करने वाले की बताए तो टाइटल में ही एक्शन आपको दिखेगा, कसम पैदा करने वाले की, प्रतिशोध की कहानी। तो उन्होंने कहा एक अच्छी एक्शन फिल्म प्लान करते हैं, मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। तो वो जानते हैं कि काम कैसे किया जाता है। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो संजय जी भी उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। लगभग एक दौर ऐसा रहा है कि हमने साल दो साल तीन साल साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उनको पता है कि काम कैसे करना है और उम्मीद करते हैं कि ये जो एक हम लोगों ने बिगुल बजाया है कसम पैदा करने वाले पार्ट टू को बनाने की, तो वो बजेगा, खुश नहीं होगा, आई होप सो। अभी अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि आपके अंदर एक डायरेक्टर छुपा हुआ है और जब डायरेक्टर खुद एक्टिंग करे तो ये आप फ्यूचर में क्या डायरेक्टर बनना चाहते हैं? नहीं, मैं डायरेक्टर का कार्यभार नहीं संभालना चाहता हूँ। मैं अजय भाई के साथ, हम लोग एक संयोग रहा है कि दो साल पहले काम करते करते रह गए थे। बड़ा इच्छा थी जब उनकी, मैं एक फिल्म मैंने उनकी देखी थी वो दूल्हे राजा। जब दूल्हे राजा का वो टेकिंग वेकिंग देखा तो मुझे लगा यार बहुत अच्छा था। एक अंदर से जो एक एक्टर होता है ना वो हमेशा लालची होता है, वो किस टाइप का लालची होता है, उसको अच्छे डायरेक्टर चाहिए होते हैं। यश कुमार के साथ, ये यश कुमार की विडंबना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि सिंगर ना होते हुए मैंने चार सालों में 27-28 फिल्में की हैं और अब जा करके मुझे एक दो बड़े प्रोड्यूसरों ने अपने बैनर में साइन किया है, लाइक अभय सिन्हा जी। नहीं तो यश कुमार ने 27-28 फिल्में ना नए लोगों के साथ किया है। अगर मैं अकेले दम पे यहां तक पहुंच सकता हूं, अगर इंडस्ट्री का साथ मिला होता तो शायद इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आ गया होता। लेकिन सच्चाई है कि इंडस्ट्री के लोग उसी ढर्रे पे चलना चाहते हैं, बदलाव में बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं, उनको यकीन है ही नहीं बदलाव करने में, क्योंकि वो लोग सेफ गेम खेला, और कोई सेफ नहीं है। सेफ गेम हमें खेलना सेफ गेम है, लेकिन उसके बाद भी सेफ नहीं है। तो एक एक्टर के रूप में मैं हमेशा से लालची रहा हूँ कि मुझे अच्छे डायरेक्टर मिले, एक कुंठा रहती है। मेरे पास स्क्रिप्ट आता है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेकअप चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि यार सेट पे जाऊँगा, डायरेक्टर इस तरीके का एंगल लगाएगा, ये मेरी एंट्री होगी, ये होगी, और फिर सेट पे जाता हूँ तो टाइम टाइम फिक्स हो जाता है, फिर चेहरा देखा हाँ सर चलिए करते हैं। लेकिन अजय श्रीवास्तव जी के साथ जब मैं पहले दिन का पहला शॉट दे रहा था, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे देखा, रामदेवन जी कोरियोग्राफर थे। लेकिन एक कोरियोग्राफर का मतलब आपका गाना अगर कर रहा है तो उस समय डायरेक्टर का काम नहीं होता, डायरेक्टर का काम होता है कुर्सी पर बैठे रहते हैं। मैक्सिमम लोगों को देखा है कोरियोग्राफर अपना काम कर, लेकिन अजय श्रीवास्तव जी के अंदर मैंने देखा कि वो सेट पे आकर के लाइट चेक करते थे कि नहीं यार ये लाइट यहाँ ऐसे दो, ये ऐसे दो। रामदेवन जी को नहीं यार ये स्टेप मुझे नहीं जम रहा, मुझे ये स्टेप ऐसा। तो ये मैंने अजय श्रीवास्तव, क्या नाम है, अजय श्रीवास्तव जी के अंदर देखा। फारूक सिद्दीकी जी के बाद मैंने फारूक सिद्दीकी जी के साथ एक फिल्म की थी दिल लागल दुपट्टा वाली से, जो मेरी हिट फिल्म रही थी, और उस फिल्म के बाद मैंने ये चीज़ें उनसे देखी। तो वो बहुत बड़े लेवल पे जेपी दत्ता साहब वगैरह के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, अब अजय जी के साथ काम किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अजय जी जैसे डायरेक्टर होने चाहिए इंडस्ट्री में यार। इतनी फिल्में करने के बाद अगर मैं गिनती के तीन चार ही डायरेक्टर जुड़ा पाऊँ कि दो तीन डायरेक्टर अच्छे हैं जिनको काम आता है, बाकी के लोगों के साथ काम करके मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ, तो ये भोजपुरी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी डायरेक्टर आए अपने काम को लेकर के सीरियस रहें और अच्छी फिल्में बनाएं तो
अजय जी के साथ बड़ा सुखद अनुभव रहा, कल दामाद जी किराए पर हैं का मुहूर्त हुआ। देखिए एकदम डिफरेंट हम लोगों ने काम किया, परवरिश एक एक्शन फिल्म की है हमने और दामाद जी किराए पर हैं हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म और एक पारिवारिक फिल्म हम लोग कर रहे हैं। तो एक डायरेक्टर का और एक एक्टर का अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो यही चीज़ें होता है कि नई नई चीज़ें कुछ लेकर के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अजय जी के साथ इस तरीके से लॉन्ग टाइम तक बना रहूँ और उनके निर्देशन में कुछ अच्छा काम करने का मौका मिले, मुझे कुछ सोचने का मौका मिले। भोजपुरी सिनेमा में ऐसा पहली बार हमें कहिए कहें कि आप एक ऐसे कलाकार हैं जो कि किरदार में डूब जाते हैं या बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे बिटिया छठी माई के लिए आपने काफ़ी कुछ वर्कआउट किया था, तो इसके इस किरदार को लेकर क्या कहना, इसमें कितना बिटिया छठ माई के का किरदार बिल्कुल अलग था, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब आदमी था, पागल टाइप का, जिसका पेट ऐसा निकला हुआ है, बॉडी ऐसा चलने वाला है, वो यहाँ पे एक ह्यूमन दिखेगा आपको, वो एक किरदार अलग था। जब मैं दिसंबर में इसकी शूटिंग करूंगा तो मेरी बॉडी में थोड़ा सा बदलाव जरूर दिखाई देगा और बदलाव के तहत मैं हमेशा काम करता रहता हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, वही हमारा डिस्कशन चालू है कि यश कुमार का कॉस्ट्यूम क्या होगा, यश कुमार के चलने का तरीका क्या होगा, यश कुमार का प्रेजेंटेशन कैसा होगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरा फर्स्ट लुक जब आउट होगा कसम पैदा करने वाले, मैं इसलिए कोई हीरो का फोटो नहीं डाला इसमें या वो कुत्ते बंदर का फोटो नहीं डाला, क्यों, क्योंकि मेरी फिल्म का फर्स्ट लुक एकदम डिफरेंट होगा, ऐसा डिफरेंट होगा कि लोग उसको सामने देख करके 48 घंटे तक देखते ही रहेंगे, जब देखेंगे बोलेंगे एक बार और देख लेते हैं। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में अब तक जितने पोस्टर्स आए हैं, और वो मेरा पोस्टर सिर्फ पोस्टर डिजाइन नहीं होगा, सीन से उठा कर, एक सीन हम लोग शूट करने वाले हैं उसमें, उस सीन का पोस्टर उठा करके मैं ऐसे पर्दे पर रखूंगा और 30-40 उसका लॉन्च कर दूंगा और लोग देखेंगे मुझे, वाओ व्हाट अ मूवी यार, ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी अभिनेत्री आई हुई हैं, मैं उनको बुलाऊंगा आयशा को, क्योंकि वो बोल रही थी कि सर मैं बहुत सारे लोग हैं कैसे इंटरव्यू दूंगी, मुझे थोड़ा सा आप साथ में सपोर्ट करके खड़े हो जाइएगा, तो मैं उनको बुला रहा हूँ, बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, आप लोगों से भी जरूर दो चार लाइन पूछें। आप आयशा हैं और बड़ी खूबसूरत सी अभिनेत्री हैं, इनके साथ में अभी एक फिल्म हमारी फ्लोर पर जा रही है उसमें ये मेरे साथ में है और मित्र हैं, मैं सोचा कि इनको कसम पैदा करने वाले टूर के मुहूर्त पर आई हैं हमको शुभकामनाएँ देने, तो मैं इनका आभारी हूँ। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम आयशा कश्यप की ओर से, एंड आप लोगों को भी मेरा प्रणाम। मैं तो यश जी की फ़ैन हूँ एज वेल एक्ट्रेस एज वेल एज आई एम फैन ऑफ हिम, क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, टैलेंटेड के साथ ये अच्छे इंसान है, और मैंने इनकी जितनी भी मूवीज़ देखी हूँ, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं हर चीज़ों के साथ, ही बिलीव्स इन टैलेंट। सो इन भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम एंड होप सो ये सुपर हिट होगी। आपकी आने वाली फिल्मों बताएं, कौन कौन अपने करियर जो शुरुआत की है भोजपुरी सिनेमा, कब से की है? जी मेरी एक मूवी मैंने किया था, साथी मूवी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एल्बम्स की हूँ। इसके अलावा अभी मेरी एक फ्लोर पे आने वाली है वर्ल्ड वाइड की तरफ से नकली नवाब, और इनके साथ मुझे सडनली ये अपॉर्चुनिटी मिली, और सो आई बिलीव, एक्चुअली आई बिलीव इन अपॉर्चुनिटी, वी शुड बिलीव इन हार्ड वर्क, हमेशा हम लोगों को हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, बिकॉज मैंने कोई होप नहीं किया था, अचानक से मुझे इन्होंने ये चांस दिया, बिकॉज इन्होंने देखा शायद इन्हें वो टैलेंट एंड समथिंग फील हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लालटेन मूवी जो इनके साथ मैं करने वाली हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा मैं, और कसम पैदा करने 2 बहुत बड़ा हिट फिल्म का जो सीक्वल बनने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी फिल्म बनेगी, और यश भाई के साथ तो मैंने काफ़ी काम किया और काफ़ी फिल्में किया हुआ है, और जो इसके डायरेक्टर हैं संजय जी उनके साथ भी काफ़ी फिल्में किया है, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये एक नया धमाका होगा और पहली फिल्म को भी लोग भूल जाएंगे इस फिल्म को देखने के बाद। अभी तो ये संजय जी बता सकते हैं, यश जी बता सकते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं आज इस मुहूर्त में आया हूँ एक अच्छी फिल्म के मुहूर्त में, और यश भाई का कोई जवाब नहीं, क्योंकि बहुत कमाल के एक्टर हैं और हम लोग काफ़ी फिल्में की हैं साथ में, तो मज़ा भी आया है उन फिल्में करते हुए, तो उम्मीद तो है आर्टिस्ट और उसमें ज़्यादातर सीन इनके साथ मेरा था, तो वो
वो फिल्म थी। फिर एक्शन राजा में भी हम लोग बड़ा इन्जॉय किए थे। एक्शन राजा एक ऐसी फिल्म थी जो हम लोग सर यश जी बोल रहे थे कि डिफरेंट एक्शन था उसमें, तो वो एक क्लाइमेक्स का सीन था जो हम लोग शूट कर रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया उस सीन को शूट करते हुए। तो वो कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको हम हमेशा याद रखेंगे। एक्शन राजा और नागराज में तो मतलब कुछ अलग ही था। नागराज सलम किया नहीं, काफ़ी फिल्में मैंने नागराज के अलावा भी दो तीन फिल्में और भी हम लोग साथ में की हैं, लेकिन ये दो तीन फिल्में हैं जो हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए हैं। फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, और अच्छी फिल्म बनी थी इसीलिए हिट रही, सुपर हिट रही। और दूसरा जो पार्ट बनने जा रहा है ये भी हम उम्मीद करते हैं कि उससे भी कहीं बड़ी बने, और उससे भी बड़ी बनेगी क्योंकि यश जी हैं और संजय श्रीवास्तव भी बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, तो हमें उम्मीद है कि उससे कहीं ऊपर ये फिल्म बनेगी। सबसे पहले तो भोजपुरी श्रोतागढ़ को मेरा नमस्कार और आप सबको भी नमस्कार। तो सब बोलने का मौका मिला। रही बात एक्शन राजा की, तो एक्शन राजा जो सिनेमा था वो अलग पैटर्न की, अभी जो हम कसम पैदा करने वाली टू बना रहे हैं ये अलग पैटर्न की सिनेमा, और मुझे नहीं लगता कि दोनों का कोई तालमेल है। और ये सिनेमा जो बनाऊंगा मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद संतुष्ट होऊंगा कि हाँ मैं कुछ एक ऐसी सिनेमा बनाया जो मैं कह सकता हूँ यार ये सिनेमा मैंने बनाई थी, अच्छा डायरेक्टर में खुशी होगी, तो संतुष्टि मिलेगी मुझे। हाँ, सबसे पहले तो यश जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे भरोसा जताया और सीक्वल लिखने के लिए मुझे बुलाया। जो उम्मीद करते हैं उससे कहीं बेहतर करेंगे। एक्शन एडवेंचर का पूरा सम्मिश्रण है फिल्म जी। पहली फिल्म आपने देखा होगा चूंकि पार्ट टू लिखते हैं, तो उस फिल्म में कितना डिफरेंट लगा था, कितने भव्य, तो उससे कितनी भव्य फिल्में बनाए? मेकर्स डायरेक्टर पे डिपेंड करता है वो कितनी भव्य बनाने जा रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कितनी भव्य वो बनाने वाले हैं, उसका पैमाना पहले से मुझे लगता है कि दो तीन गुना ज़्यादा होगा। काफ़ी बड़े लेवल पे, बड़े कैनवास पे ये फिल्म को प्लान कर रहे हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप ऑफ यश जी का और डायरेक्टर साहब का। लिखने में कुछ दिक्कत आई होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई अनोखा चीज़ आपको उन्होंने कहा होगा कि इसको लिख दीजिए, या आपने कहाँ से सोचा कि इसको ये चीज़ें इसमें डाली? मैं इनिशियल प्लॉट बनाया, बाकी जो एडवेंचर है ना, एडवेंचर के बड़े खिलाड़ी हैं हमारे यश जी, तो वो ऑलरेडी माइंड मेकअप करके साल भर से रखे हुए पूरा मसाला। तो एडवेंचर को जब शेयर किए तो हम लोग हंसते हंसते पागल हो गए थे डायरेक्टर साहब। तो एडवेंचर्स काफ़ी कमाल का होगा और काफ़ी उसमें VFX और रियल वे में शूट करेंगे हम लोग जमा के एकदम। तो ऐसा लग रहा है कि पहले कभी आपने इस तरह से? मैं पहले लिखा भी नहीं एडवेंचर फिल्म जो है, मैं स्पेशली एक्शन फिल्म में लिखा हूँ, एडवेंचर्स पे नहीं फोकस किया हूँ। स्पेशली जानवर लोगों के साथ तो मैं काम नहीं किया हूँ, पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा आने वाला है। मज़ा आने वाला। म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना जी से बात करें कि इस फिल्म में म्यूजिक, जैसे एक्शन मूवी है तो म्यूजिक का स्कोप कितना अलग होगा, कितना ज़्यादा? जी नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, सबको प्रणाम। सबसे थैंक्स यश जी की फिल्म में हमें म्यूजिक करने का मौका दिया। कोशिश करेंगे कि इसमें अच्छी से अच्छी मैं फिल्में, जो भी फिल्म है इसमें गाने में कर सकूं। और आज एक गाने से अभी मुहूर्त हो रहा है, तो गाने हम अभी आपको नहीं सुना सकते ना बता सकते, लेकिन जो बना है बहुत कमाल का बना है। और ख़ासकर जब हमारे जब श्रोता सुनेंगे तो बताएंगे कैसा बना है, किस क्या बना प्रकार का गाना है, रोमांटिक गाना है या फिर इसमें कोई आइटम सॉन्ग वगैरह? देखिए इसमें रोमांटिक सॉन्ग भी है, जो जो मसाला होता है वो सारा मसाला है। अब पब्लिक किस नज़र से किस मसाले को लेती है ये डिपेंड करता है। तो यश जी को लेके चार हीरो हैं, तो मस्ती वाले भी गाने होंगे? तो मस्ती वाले हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें आप लोगों को सुनने लायक और देखने लायक। जब वीरू जी ने कहा है कि एडवेंचर एक्शन मिक्स है, तो गाने का भी तड़का लगेगा जी। आज आज किससे गवा रहे हैं? आज आज शुभ मुहूर्त पर इंदु जी गा रही हैं और यश जी भी गाएंगे। अच्छा, आपने खुलासा कर दिया क्योंकि अब तक इंदु जी ने बताया नहीं था। तो नहीं, अभी वो गा रही हैं और यश जी भी गाएंगे। तो अब आप लोग के सामने हैं, यही कोशिश करेंगे कि हमारी फिल्में और गाने सुने और प्यार दीजिए। और अगेन थैंक्स यश जी। हिंदी सिनेमा में बहुत सारी जो है म्यूजिक जो है नए टून दिए जाते हैं, तो भोजपुरी में कोई ऐसा एक्सा टून? जैसे मैं अभी बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ, जो कलर कुछ बॉलीवुड का कलर है और कुछ बहुत हमारी गांवटी कलर है, तो दोनों का मिश्रण रहेगा जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक